चंपारण से बालोद जिला स्थित गौरैया धाम शक्तिपीठ चौरेल कावड़ यात्रा पहुँचे किए जल अभिषेक। बालोद जिला गौरैया धाम में स्थित प्राचीन मंदिर हजारों साल से खुदाई के दौरान मिली पत्थर की मूर्तियों को स्थापित की गई एवं जमीन से निकली पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित है, जिन्हें दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आज सुबह जानकारी मिली चंपारण से 70-75 लोग कावड़ यात्रा, जिनका स्वागत श्री गौरैया शक्तिपीठ चौरेल पैरी के समिति के उपाध्यक्ष श्रीमती ममता निजानंद चंद्राकर ने भव्य स्वागत कर नाश्ता की व्यवस्था की गई। मंदिर पहुंचने पर चंपारण से पहुंचे कांवरियों ने जल अभिषेक किए और मंदिरों में पूजा पाठ श्रद्धा भाव से किया। पंडित लीलाधर शर्मा ने कहा, विगत 20 वर्षों से पूजा अर्चना कर रहा हूं। यह बहुत प्राचीन मंदिर है। मेरा नाम यशवंत साहू है। हम लोग चंपेश्वर धाम चंपारण से यहाँ गौरैया महादेव जल चढ़ाने आए हैं। पैदल यात्रा टोटल वहाँ से 102 किलोमीटर के आसपास पड़ा है। हम लोग शनिवार के सुबह 4 बजे से निकले हुए हैं और आज अभी हम लोग को 10 बजे होगा दर्शन। और बोल बम बोल बम। मैं कक्षा 11वीं साइंस से हूँ और मेरा पता चंपारण है और हम लोग बोल बम के लिए यहाँ पर आए हैं। तो हम 65 जन आए हैं हम लोग टोटल, और हम लोग यहाँ आते हैं ना बोल बम, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम चंपारण से हैं, मेरा नाम मौनी निषाद है। हम यहाँ 9 साल हो गए इसने यात्रा करते हुए, और छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेकर यात्रा करते हैं। और 9 साल हो गए बच्चे छोटे छोटे बच्चे को साथ में लेकर चलते हैं, और हमें बहुत खुशी मिलती है बाबा के धाम में घूमने के लिए। और हम आगे तक अपनी जीवन सीमा तक अपने सफर को जारी रखेंगे। रिपोर्टर विजय।